74वें गणतंत्र दिवस पर बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोडासरा ने ध्वजारोहण किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोडासरा ने बड़ी चौपड़ के मंच पे कहा कि सीएम अस्वस्थ होने के कारण आज यहां नहीं आ पाए, हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। आने वाला बजट युवाओं और महिलाओं वर्ग के लिए होगा। आज भाई को भाई से लड़ाने का काम किया जा रहा है और यही कारण है कि राहुल गांधी को देशव्यापी यात्रा पर निकलना पड़ा। संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन हम उस पार्टी से, उस गांधी दल से हैं जिस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई। हम लोग आज संकल्प लेना चाहते हैं ऐसी ताकतों को बेनकाब करें जो देश को तोड़ने का काम कर रही है। हम आज गांव-गांव ठाणी ठाणी तक अभियान शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, अंतिम छोर तक बैठे लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर आरसीसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, पीसीसी कांग्रेस वरिष्ठ नेता अशोक अली टाक, समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा आदि मौजूद रहे।